शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्सक्यूज मी सर। यस। मे आई कम इन सर? यस कम इन। ओह सर सर। स्पीक अप गर्ल, व्हाट इज इट? सर मैंने आज का पूरा काम खत्म कर लिया और कल का भी काम किया है और वो डिटेल फैक्स भी भेजा है। एनीथिंग एल्स सर? गुड गुड, नाउ अटेंड टू दीज फाइल्स आल्सो। ऑफ कोर्स बस इतना ही। यस यू मे गो नाउ। ओके सर। सर मेरा एक काम था। गो। वो क्या है ना सर, मेरा एक दोस्त है, इतनी सारी डिग्रीज है उनके पास एंड इज आल्सो वेरी फिजिकली फिट सर, स्पोर्ट्स में एकदम अव्वल नंबर है और कोई बुराई भी नहीं है उसमें। अच्छा तो मैं क्या करूं? सर उसे एक नौकरी दे दीजिए। ठीक है, अभी के अभी उसे यहां भेज दो, उसे नौकरी मिल जाएगी। रियली सर, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सर। बस सर कौन सी नौकरी देंगे उसे? तुम्हें निकालकर तुम्हारी जगह उसे रख लूंगा। जी तुम्हें इस दफ्तर में आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम दूसरों को नौकरियां दिला रही हो। मन लगाकर काम करना है तो करो, वरना आई लाइक टू शो यू द डोर। सॉरी पापा। व्हाट? ओह सॉरी सर, सॉरी सर। ओके सर, आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम सॉरी। वो लेट हो गया, 9 बज गए। बाय के टू बाय पूछे। 9 बज गए, लेट हो गई, लेट हो गई, लेट हो गई। एक मिनट, लेट होने की इतनी ही फिकर है तो दोनों जल्दी क्यों नहीं उठते? बिल्कुल एक जैसे हैं भाई बहन। वो मेरी चाबी कहाँ गई? भैया, I'm getting very late. Please मुझे ऑफिस छोड़ दो। Are you mad? पूजा तुम्हारा ऑफिस उस तरफ है, मेरा ऑफिस इस तरफ। नहीं, no impossible. नहीं पूजा, impossible है। No पूजा। It's very important that I reach on time. Please. सलाम साहब। अरे भीकू सिंह यहाँ क्या कर रहे हो? साहब के काम से जा रहा हूँ। ओह सीपी, अच्छा अच्छा। ये कौन है? मेरे बॉस की गाड़ी है, उनका ड्राइवर है। भैया ये भी उसी तरह जा रहे हैं, इन्हें कह दो ना मुझे छोड़ने। ओह ओके, ओनली दिस टाइम, प्रॉमिस। भीकू सिंह मेरी बहन है, उसे सीपी तक छोड़ सकते हो? जरूर साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, सी यू इन द इवनिंग, लव यू, बाय बाय बाय। हां बाय बाय। पूजा जी, अरे पूजा जी, अरे पूजा जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट पूजा जी, अरे पूजा जी एक मिनट, पूजा जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट पूजा जी, अरे पूजा जी खिड़की तो नीचे करिए। मैं शिव, शिव शिव कपूर, आपको ऑफिस में मिला था, याद है आपको? पूजा जी आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। थैंक यू भीकू सिंह जी, अब जाइए। पूजा जी ये चिक्कू कहाँ से आ गया? क्या पूजा जी, इतनी देर से मैं आपको आवाज दे रहा हूँ और आप मुड़ के देखती नहीं है। आपकी गाड़ी आगे हवा में उड़ती जा रही है और मेरी बाइक पीछे पीछे। अच्छा हाँ, वैसे आप सुनती भी कैसे, पहले से इतनी बड़ी गाड़ी, उसके ऊपर फुली एयर कंडीशन, चारों खिड़कियां ऊपर, आपका दोष भी क्या है? अच्छा बताओ बात क्या है। पूजा जी आज का अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा आपने? ये देखिए क्या है इसमें। अरे आपके ऑफिस इतना बड़ा इश्तिहार दिया है, कमाल है पूजा जी, आपकी होती वैसे कैसे हो सकता है? और फिर से आपके पापा के ब्रेकफास्ट टेबल पे एक बड़े आदमी का फोन आएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी ना? ओहो ना समझो तुम तो समझते ही नहीं। अरे बाबा ये इश्तिहार मैंने दिया है। क्यों? सर्क्यूलेशन में रहने के लिए करना पड़ता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं हूँ ना, पापा से बात कर चुकी, तुम्हारी नौकरी पक्की। पक्की? पक्की। तो मैं जाके मिलूं उनसे? पापा से? हाँ, इंटरव्यू मेरा उनके साथ। इंटरव्यू? अच्छा सुनो, इंटरव्यू बहुत होशियारी से देना। हाँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सिफारिश की है, समझे? वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, पापा को भी नहीं। ओके। अच्छा जाओ। चलो। जाओ। थैंक्स अ लॉट। सोच के बोलना। हाँ।
मुबारका मुबारका जनरल मैनेजर साहब। अब देखो ये दिल पैक हैदराबादी कैसे दिल्ली में बैठ को आपको बैंगन का भरता और हैदराबादी बिरयानी खिलाता, तड़का मार को जाफरान छिड़क को। शुक्रिया मियाँ शुक्रिया। वैसे मियाँ उस दिन आपके मिलने के बाद ही शिफ्ट करने का सफर शुरू हुआ। वैसे एक बात है हजरत, अगर उस रोज आप यही चिपक को रहते तो ये जगह कहाँ से आपको मिलती, वही निचली सीढ़ी पर लटक को रह जाते। हाँ, ये सब पूजा जी की कृपा है। पता है जब तक जीऊंगा ना सिर्फ पूजा जी की पूजा करूंगा। पूजा? कौन पूजा? हो वही मैनेजर साहिबा। अरे क्या बात कर रहे हो मियां, मालकिन को नौकर का दर्जा दे रहे हो? अनबिलीवेबल, पूजा जी की वजह से ना जाने कितने गरीबों को नौकरी मिली है। अब मेरी बात ही ले लो, अगर वो अपने बॉस पापा जी से मेरे लिए सिफारिश नहीं करती तो क्या हम दोनों शानदार एयर कंडीशन ऑफिस में बात कर रहे होते? ला हौल वला कुव्वत हजरत, आपकी बात सुनकर मेरे भेजे का खट्टा सालन बनता ना। अरे वो पोटी आपको लट्टू की तरह घुमा डाली ना, उस रोज आपको सटका कर आपकी नौकरी हजम कर ली, डक्कर भी नहीं ली। उतच मतलब? मतलब ये कि उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है साहिबा और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हमारे बॉस पापा कोई प्यारे पापा नहीं है? अरे वो चोपड़ा खूसट काहे का पापा बाबा, उन्हों आज तक तो खुद कुंवारे बैठे बैठे। कोई सिफारिश विफारिश नहीं की? अरे मेरे बम बम भोले, मेरे मिट्टी के माधव, सिफारिश तो बहुत दूर उन्हों कहीं जी से आपकी सब तरक्की के रास्ते काटे जा रहे हैं। अच्छा तो मुझे जम के बेवकूफ बनाया? हाउ? और पूरी दिल्ली घुमाए? हाउ? ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। दिल पेट मिया सर, जाके उसको बुलाना, अभी देखता हूँ उसको। बुला उसको। बुलाता हूँ उसको, जम के झिड़को बाबा। आपका हक है, आप जनरल मैनेजर है, ऐसी वैसी बात नहीं है। आने दो उसको, अब दिखाता हूँ मैं कि ऐसी फिरकी लेता हूँ कि वो फिर कभी नहीं सोचेगी उसकी तो। हेलो 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 हेलो, आइए 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 आइए। क्या बात है क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड हैपनिंग हाँ? खुश बैठ जाओ, करे क्यों बैठ जाओ, रिलैक्स। अरे नहीं 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 पूजा जी, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इम्पॉसिबल, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओह नो नो, अपने हाथ से मेरी डिग्री लेके आपने मेरी बिगड़ी बनाई है। आहा। नाश्ते की टेबल पर अपनी तशरीफ रख के अपने प्यारे पापा से मेरी सिफारिश की है। करती रहती हूँ। उड़ती हुई मर्सिडीज कार में बैठकर आपने अपने बारे में नहीं सोचा? नहीं, सिर्फ मेरे बारे सोचा। हाँ, वो तो है। वाह वाह पूजा जी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बदले आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया। जनरल मैनेजर शिव कपूर, जनरल मैनेजर। फैंटास्टिक पूजा जी, क्या बड़प्पन है आपका, कमाल का है, कमाल का, वेरी गुड। नहीं नहीं, बताइए चाय पियेंगे आप? चाय? आई डोंट माइंड अ कॉफी। आई डोंट माइंड अ कॉफी। अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। जी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तूने मुझे बेवकूफ बनाया? शिव शिव, सर बोलो सर। सर पूजा जी, मैं आपकी पूजा कर करके थक गया और आप मुझे चारों ओर घुमाती रही। प्यारे पापा की लाडली बेटी, गरीबों की हमदर्द, सिफारिश की महारानी, क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। पहली मुलाकात में मुझे ही शेंडी लगा कि मेरी नौकरी हजम कर ली तुमने। नहीं, नहीं। और फिर जब तुम्हारा पेट नहीं भरा तो फिर फाइव स्टार होटल में कढ़ाई पनीर, दम आलू कश्मीरी, हरे भरे कबाब, अपने भैया भाभी के साथ चटकारे लेके खा रही थी। मैं पागलों की तरह सारा दिल्ली शहर घूमता रहा तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम मैडम थिएटर में बैठ के लेटेस्ट पिक्चर देख रही थी, फिर भी इस गरीब ने इस पत्थर दिल के लिए असली घी के लड्डू बनवाए, असली घी के। तो अब बताओ पूजा जी, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ। सर, जनरल मैनेजर साहब, ठीक है, आप जो सजा दी मुझे मंजूर है। शो शो, जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ करूंगी। मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। रात से सुबह हो गई लेकिन तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं हुई। ए, जनरल मैनेजर का मूड मत खराब करो। ओके जनरल मैनेजर माय फुट, इस घर की जनरल मैनेजर सिर्फ मैं हूँ। ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कब इनकार किया, तुम सिर्फ इस घर की नहीं
इस दिल की भी जनरल मैनेजर हो। आई लव यू। कमाल है, पता है पूजा, कभी कभी सोचता हूँ इतने साल अकेले कैसे सोता रहा, उन बेचारे कुवारों का क्या हाल होता होगा। क्या तो बीवियाँ सिर्फ इसीलिए होती है क्या? तुम मर्द लोग सब एक ही जैसे हो, ओहो कभी नहीं सुधरोगे। मैडम अगर हम लोग सुधर गए ना तो आप लोग का क्या होगा? उफ, इस टॉपिक पर तुमसे बहस करना फजूल है। अब उठो, नहाओ और ऑफिस जाओ, वरना कंपनी की तरफ से ये जो घर मिला है ये भी नहीं रहेगा। कमन उठो। नहीं पूजा, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? मैंने तो नौकरी छोड़ दी, अब तुम भी काम पर नहीं जाओगे तो खाएंगे क्या? हूँ सिंपल, प्यार खाएंगे, हवा खाएंगे, तुम्हें खाऊंगा। इस टॉपिक रोके, हक बनता मेरा? कोई हक वक नहीं, चलो उठो। अरे जाके देखो कौन आया है, कम ऑन जाओ देखो ना। उठो कम ऑन प्लीज, तुम बहुत लेजी हो। हाँ कम ऑन जाओ देखो। ओके ओके कम ऑन मूव। ए जी कौन जी, आप कौन? दूध। क्या? मैं दूध वाली साहब जी। ओ मेरा नाम किशमिश, किशमिश खजूरा, लीजिए ना। हाँ कितना हुआ? हिसाब तो महीने के आखिर में चुकाया जाता है साहब जी। ओह नहीं आए हो? हाँ हम लोग नए हैं। अच्छा एक बात तो बताओ कि एक पैकेट काफी रहेगा कि और दूं? नहीं एक ही काफी है। क्यों? वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस बिल्डिंग के लोगों को दूध काफी लगता है। नहीं एक ही काफी है। फिर चलती हूँ साहब जी। ठीक है चलती हूँ। मैंने कहा साहब जी जरा हाथ तो लगाना। क्या? इसको। ओह हाँ हाँ अभी उठा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाय मैं मर जाऊँ। थैंक यू साहब जी। वैसे एक बात कहूँ साहब जी? कहो। आप ना बड़े शरीफ आदमी हो, बड़े नेक आदमी हो, आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, दोस्ती के काबिल हो साहब जी। अच्छा? हाँ। अच्छा तो फिर मैं चलूं दोस्त जी। कल सुबह। दोस्त गई? हाँ? ओ हाँ गई, दूध वाली थी। अच्छा तो दूध लेने में रोज इतना वक्त लगेगा, नीचे तक छोड़ाते। कमाल है, मैं तो मदद कर रहा था उसकी, तुम ना जाने क्या क्या सोच रहे हो। कहाँ दूध वाली और काम है, कमान पूजा। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम मर्दों को, चलो दूध दो मुझे। हाँ पहले तुम मेरी चीज लौटाओ। कौन सी चीज? आपने ये जो लुंगी कुर्ता पहना है ये मेरा है, चलिए उतारिए इसे। चलो अंदर देती हूँ। अभी इसी वक्त। पागल हो गए हो? बिल्कुल। लोग देख रहे हैं। शिव छोड़ो मुझे। आई लव यू। शिव कल से दूध तुम नहीं मैं लूंगी।